ये प्रशंसा सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये प्रशंसा सचिन पायलट ने भी आज तक के पंचायत में मंच पर बैठकर किया। हालांकि तमाम अन्य मुद्दों पर वो एक के बाद एक आक्रमण कर रहे थे वसुंधरा राजे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज है वसुंधरा राजे में जो अन्य नेताओं में बीजेपी में शाहनवाज जी नहीं है। उन्होंने कहा वो अपनी जगह पर ऐसे तटस्थ खड़ी है कि पार्टी में कोई भी एक मतभेद बीजेपी अध्यक्ष के साथ कथित रूप से उनके होने के बावजूद उनको हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी, दिग्विजय सिंह बोल। हर जगह या तो कहीं पे नेक टू नेक फाइट के, कहीं पे आगे पीछे है, तो ऐसा अनुमान था कि मतलब इस तरीके से अचानक कांग्रेस ऐसा करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, मुझे विश्वास है। और अभी तो पोस्टल बैलेट के ही रुझान आ रहे हैं, इसमें सही रुझान तो 12 बजे के बाद ही आ पाएंगे। लेकिन सर जिस तरह का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि हर जगह पे आपके कार्यकर्ता भी हर जगह जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फीडबैक होगी कि हम जीत रहे हैं? मैं तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आप? हाँ, राजस्थान में भी अच्छी है, छत्तीसगढ़ में भी पूरी उम्मीद है। सर तो अचानक क्या ऐसा बात होगी कि मतलब जनता इस तरीके से एंटी सरकार कह सकते हैं? नाराजी है लोगों के बीच में, युवाओं में, गाँव में, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में, सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाए कि 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका उनका कहना है बहुत काम किया उन्होंने, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक? कोई ऐसा फेस भी आपने आगे नहीं किया? देखिए, फेस तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। अभी कोई आप लोगों ने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश में? ये तो सरकार बनाने का मौका आएगा तो चयन जल्दी हो जाएगा। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दिग्विजय सिंह कहते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए, अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी से ही दावेदारी और दाव और उम्मीद सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये एमपी में भी 47 पर कांग्रेस आगे है, 5 का फासला है फिलहाल मध्य प्रदेश में। और नीचे देखिए, नीचे राजस्थान पर नजर रखिए तो एक कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई रुझानों के मुताबिक। अभी नतीजे नहीं हैं, वक्त लगेगा रुझानों को नतीजों में तब्दील होने में। राजस्थान में चुनावी रुझान 100 के पार, 111 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, उनमें से 65 पर कांग्रेस पार्टी अगर आगे है तो 43 पर बीजेपी है। 111 सीटों के अनुमान आ चुके हैं राजस्थान में। और इधर मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 89, अभी सेंचुरी वहां पर नहीं लगी है, लेकिन 48-51, ये देखिए मध्य प्रदेश पर रखिए नजर, 51 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है। राजस्थान में कांग्रेस 65 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 43 पर, एक क्लियर मार्जिन है। उधर 51-48, और छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर अगर आगे है तो 18 सीटों पर बीजेपी है। टीआरएस क्लीन उधर आगे बढ़ती हुई 22 पर और 18 पर कांग्रेस। लेकिन ये देखिए नजर, ये देखिए नजर आप रखिए मध्य प्रदेश पर और राजस्थान पर, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा एक कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में वही, यानी कांग्रेस को क्लियर मार्जिन रुझानों के मुताबिक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रमोद जी हैं क्या हमारे साथ अब? हाँ, मैं एक बात कह के अपनी खत्म कर लूं। देखिए, अभी आप ही के यहां से बात आई थी, हाँ जी जी अंजना जी, बात आई थी कि ये बैलेट पेपर ज्यादातर जगहों पे भाजपा के पक्ष में जाते थे, ये बात आई थी, मेरे ख्याल से शेखर भाई ने कही थी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग है उसमें भी कांग्रेस आगे है, तो जो जहां से बात मैंने शुरू की थी कि जनता का मन भाजपा के खिलाफ बना हुआ है, वो इस परिणाम से सामने आ रहा है। वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ा लिखा सरकार नौकरी में हो, चाहे सेना में हो, तो बैलेट पेपर में आप पिछले बार का उठा के देख ले, हम बहुत पीछे थे इन 5 राज्यों में। पर मैं एक चीज आपसे कह दूं कि ये बड़ा अस्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा है जो सामने आ रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए शाहनवाज जी, लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ 52-55 मध्य प्रदेश, 43-65 राजस्थान। जिस तरह की स्थिति है, मैंने आपसे कहा कि प्रमोद तिवारी जी बहुत सीनियर लीडर हैं,
और पोस्टल बैलेट को भी रुझान को वो बता रहे हैं कि उनके अगर शुरुआत ऐसी है और रेफरेंस शेखर जी का दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप ये देखें, अगर इसी ट्रेंड पे बात करें, चलिए दावों को हटाते हैं, तब भी 65-43 है, यानी भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कर रही है, ज़्यादा का अंतर नहीं है वहाँ पर भी, और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और उसमें कांटे का मुकाबला है। लेकिन मैं मानता हूं जब वो गिनती शुरू होगी तो उसमें हमारी स्थिति और अच्छी होगी। शुरुआत में मैं पहले भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं आज काउंटिंग के दिन शुरुआत में ऐसा दावा न सुनना चाहता हूं न मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक पूरी काउंटिंग 10-11 के बीच में ही स्थिति थोड़ी अस्पष्ट होने लगी। क्या कह रही है आपको क्या पता आज आपकी नहीं कोई मध्यम होती आवाज, आप जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा बोल रही है। कोई मध्यम होती आवाज नहीं है, नहीं नहीं मैं